किसी भी रात आप आसमान को देख लें, वहाँ आपको हजारों तारे नजर आएंगे। ये स्टार येल यूनिवर्सिटी के डॉरिट होफलेट ने गिने थे। इन सभी सितारों में से हर एक स्टार के इर्द गिर्द कुछ पत्थर के गोल टुकड़े और गैस जेंट्स घूम रहे हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, और हम अपने सूरज के गिर्द पत्थर के टुकड़े की सूरत में चक्कर लगा रहे हैं। इस पत्थर के टुकड़े को हम जमीन कहते हैं। लेकिन वो चीज जो आपको नहीं पता और सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि रात के अंधेरे में किसी भी वक्त ऊपर नजर आने वाले पांच सितारों में से एक सितारा हमारी जमीन जैसा ही एक रॉकी प्लैनेट है, जो अपने स्टार से उतनी ही दूरी पर चक्कर लगाता है जितनी दूरी पर जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। इसे हम गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, यानी कि वो प्लेनेट अपने सूरज से ठीक उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी से सूरज उसे जला नहीं सकता और ना ही स्पेस की सर्दी उसे फ्रीज कर सकती है। इन शॉर्ट, वहाँ जमीन की तरह जिंदगी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्या आपने ये कभी सोचा है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में कितने स्टार्स हैं? तो मैं आपको बता दूं, 400 बिलियन स्टार्स, यानी कि 40,000 करोड़ स्टार्स, जिसमें से 40 बिलियन स्टार्स में जिंदगी मौजूद हो सकती है सिर्फ और सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। चकरा गया दिमाग। बहुत सारे लोग अब नीचे कमेंट्स करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, लाइफ सिर्फ जमीन पर ही है। लेकिन हमारी गैलेक्सी में कहीं और एलियन लाइफ होगी? ये ख्याल बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन अगर सच कहूँ तो यहाँ पर हम अकेले हैं। ये ख्याल भी उतना ही डरावना है जितना एलियन के होने का है। अभी तक हमारे पास वो खास हथियार नहीं है जिससे हम 40 करोड़ स्टार्स में से एलियंस के प्लेनेट को देख सके ताकि हमें उनके होने का सबूत मिल सके। खैर, वो सबूत हमें बहुत जल्द मिल जाएगा, वो भी जेम्स वेब टेलीस्कोप से। इस टेलीस्कोप का लेंस इतना बड़ा होगा जो दूर के प्लेनेट से रिफ्लेक्ट होकर आती हुई रोशनी को इंटरप्ट करेगा, और फिर हम एलियंस को घर बैठे ही देख सकेंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है, एलियन आखिर होंगे कैसे? ये सवाल सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं आ रहा, बल्कि इस सवाल ने बहुत सारे साइंटिस्ट की रातों की नींद उड़ा रखी है। जब भी आप एलियंस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह के एलियंस आते होंगे जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब इमेजेस आपने मूवीज में देखी होंगी, लेकिन ये एक चौंका देने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं कि जैसे एलियन आप इमेजिन करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हों। हम जमीन पर रहने वाले इंसान उन्हें थोड़ा बहुत अपने जैसा समझते हैं। हम उन्हें दो आँखों, एक नाक और मुँह के साथ इमेजिन करते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे ही होंगे। इसका मतलब ये है कि ये इंस्टेंट हमारे अंदर इतना ज्यादा है कि जिस भी जानदार के पास स्पेस ना हो आप उसे पहचान भी नहीं सकेंगे। इमेजिन करना तो दूर की बात है, ये एक जानदार है जिसे साइंस फिक्शन राइटर टेरी नेशन ने क्रिएट किया है, जिसे म्यूटेंट साइबोर्ग कहते हैं। क्या आप इसे एक जानदार कह पाएंगे? ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर जानदार है जो एक ऐसे प्लेनेट पर सरवाइव कर सकेगा जहां पत्थर और चट्टाने ना हो। कर दिया ना इसने आपको शॉक? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसे कितने ज्यादा माइंड ब्लोइंग जानदार हमारी यूनिवर्स में हो सकते हैं। आज की ये वीडियो आपका दिमाग खोल कर रख देगी, क्योंकि मैं आपको एलियंस के तरह के और भी बहुत सारे जानदारों के बारे में बताने वाली हूँ, और वो किन प्लैनेट्स पर पाए जाते हैं इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। एक प्लैनेट पर किस तरह की जिंदगी हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ कि वो प्लैनेट के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ पर जिंदगी मौजूद होगी वो प्लैनेट बिल्कुल हमारी जमीन जैसा होगा। लेकिन हम इतनी बड़ी कायनात में ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढेंगे कैसे जो अपने स्टार से कहीं दूरी पर चक्कर लगा रही हो? साइंस लैन 2009 से केपलर स्पेस टेलीस्कोप का इंतजार कर रहे हैं ताकि जमीन के जैसे और भी प्लैनेट्स ढूंढ सकें। इनके रिजल्ट्स आपको शॉक कर देने वाले हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डाटा के मुताबिक हमारी और हमारे आसपास की गैलेक्सीज में इतने प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन्हें गिनना बहुत ही मुश्किल है। उनमें से 1 मिलियन प्लैनेट पर जिंदगी हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के मुताबिक जिंदगी दूसरे प्लैनेट्स पर कितनी हाई है। बहुत सारे केपलर प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स पर साइंस दान नजर रखे हुए हैं, जैसे कि ये प्लैनेट केपलर 22b है, जो कि एक वाटर वर्ल्ड है जो जमीन की तरह चट्टानी प्लैनेट होते हैं। ये समंदरों की चादरों से लबालब भरे होते हैं, यानी वहाँ पर 1000 किलोमीटर डीप ओशंस हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जमीन पर तो 15 किलोमीटर से गहरे समंदर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे प्लेनेट पर कैसे जानदार पैदा हो सकते हैं? साइंसदानों के मुताबिक यहाँ पर समंदरों की गहराई में एलियंस के पौधों का एक जंगल हो सकता है जो उसके चट्टानी जियोथर्मल वेंट से पहले ऐसे होते हैं, और फिर करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद ऐसे पॉड्स टाइप के स्ट्रक्चर में तब्दील हो सकते हैं जो इन्हें ऊपर तक फ्लोट करवा के सतह से सितारे की एनर्जी लेने में मदद करेगा। तो इस तरह की वाटर वॉल में आपको इस तरह के एलियन जानदार नजर आएंगे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट पर साइंसदानों की नजर है
क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है और इनका अपने सितारों से ऐसा रिश्ता है कि अगर ये प्लेनेट चट्टानी हुए तो यहाँ पर लाइफ मौजूद हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ टाइडली लॉक प्लेनेट्स की, जहाँ ये प्लेनेट जिस स्पीड से अपने ही गिर चक्कर लगाता है उसी स्पीड से वो अपने स्टार के गिर चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से इसका नतीजा ये होता है कि इसकी एक साइड हमेशा के लिए अपने स्टार की तरफ रहेगी और इसे बहुत ही गर्मी का सामना करना पड़ेगा और इसके दूसरी साइड को स्पेस की बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे प्लेनेट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जो जिंदगी को सपोर्ट करती है। हवा जो ठंडे हिस्से से होकर गर्म हिस्सों की तरफ ट्रेवल करती है और फिर वही हवा गर्म हिस्से में से होकर ठंडे हिस्से की तरफ चलती है। ये फिनोमेना एटमॉस्फेयर को जमने से बचाता है और टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से लाइफ का इस प्लेनेट के इस तरफ होना पॉसिबल हो जाता है। अब आप जरा इमेजिन कीजिए इस प्लेनेट पर कैसी लाइफ हो सकती है जहां हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। उस प्लेनेट की लुक कुछ इस तरह की होगी। वहां पर पौधे ब्लैक कलर में होंगे क्योंकि इस हिस्से पर सिर्फ सनसेट ही दिखाई देगा, वो भी 24 घंटे। इतनी ज्यादा लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए ब्लैक कलर सबसे ज्यादा सूटेबल होगा। यहाँ पर जानवर भी कुछ इस तरह के होंगे, एक फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि हवा इतनी ज्यादा तेज है कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स खुद ब खुद आपके पास आ रहे हैं, बस आपको इन्हें कंज्यूम करना है। इस हाइपोथेटिकल क्रिएचर को लैंड वेल कहा गया है। ये एक प्योर एलियन जानवर होगा। कुछ प्लेनेट जैसे कि केपलर 62f जो ऑलमोस्ट जमीन के जैसा है, बस इसका मैस ज्यादा है। अगर यहाँ पर एलियन पैदा हुए तो वो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। अब ये जेनेटिक एल्गोरिदम क्रिएटर से तैयार किया गया एनिमल मॉडल है, जहाँ इस एलियन का स्मार्ट सा जिस्म और 8 पांव है, जो स्ट्रक्चर से इस प्लेनेट के लिए परफेक्ट होगा हाई ग्रेविटी को कॉम्बैट करने के लिए। या फिर क्रिएटर्स जैसे मड पॉड, जो 1 मीटर लंबा एलियन मेंढक है, इसके 6 पांव और एक डसने वाली पूंछ होती है। ये मड पॉड्स किसी और प्लेनेट पर भी पैदा होंगे, जो साइंसदानों की कैलकुलेशन के हिसाब से जमीन से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता होगा, इसीलिए हमें वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एलियंस भी देखने को मिल सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक बिल्कुल पहले प्लेनेट की तरह ये प्लेनेट भी टाइडली लॉक्ड होगा। इसमें फर्क बस इतना ही होगा कि जिस स्टार के गिर्द ये घूम रहा होगा वो साइज में सूरज से बहुत ही छोटा एक रेड ड्वार्फ स्टार होगा, जो कुछ इस तरह रेड ग्लो करते हैं। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये दुनिया कैसी नजर आएगी। एक डिम से रेड एटमॉस्फेयर और आसपास जमीन की तरह के नज़ारे, नदियाँ, जंगल वगैरह, और इनसे प्लेनेट बहुत ज्यादा होंगे। ग्लीस 581G इसी तरह का एक प्लेनेट हो सकता है जो साइंसदानों ने तलाश किया है। रेड ड्वार्फ यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है क्योंकि वो अपनी एनर्जी बहुत स्लो बर्न करते हैं, बस यही वजह है कि ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। इनकी यही खसूसियत उनके आसपास के प्लेनेट्स में मौजूद जिंदगी के होने को और भी ज्यादा पॉसिबल बना देती है। अभी तक हमने जिन प्लेनेट्स की बात की है वो किसी न किसी स्टार के गिर्द घूम रहे थे। अब आप मुझे बताइए, क्या किसी चांद में एलियन लाइफ पॉसिबल हो सकती है? जब आप जमीन के चांद को देखते हैं तो आपको एक बंजर सी जमीन दिखाई देती है जो सूरज की रोशनी में चमकती है, लेकिन क्या इस कायनात में ऐसा चांद हो सकता है जो जिंदगी से भरा हुआ हो? और अगर सच में है तो वहाँ की जिंदगी कितनी अजीबोगरीब हो सकती है। वहाँ के जानदार एलियंस के भी बाप होंगे, क्योंकि वो एक प्लेनेट पर नहीं बल्कि एक चांद पर हैं। ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब होगी। इसका मॉडल भी साइंसदानों ने कुछ इस तरह का बताया है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा जुपिटर के साइज का जायंट वाटर क्लाउड प्लेनेट होगा, जिसका जमीन के साइज का चांद होगा। ये दोनों बॉडीज एक ट्विन स्टार सिस्टम के गिर्द घूम रही होंगी, जो अच्छी खासी दूरी पर होगा और बहुत ही स्टेबल होगा। इस चांद में वोल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ही स्ट्रांग होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर गैसेज रिसाइकल होंगी, जहाँ का एयर प्रेशर जमीन से 3 गुना ज्यादा होगा और ऑक्सीजन 30% ज्यादा होगी। अगर एक एस्ट्रोनॉट इस प्लेनेट को देखने के लिए अपने स्पेसशिप से बाहर निकलेगा तो वो घबराता हुआ इस एलियन की दुनिया से जल्दी अंदर आ जाएगा। प्रेशर बहुत खतरनाक होगा, गर्मी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पाएगा। उसे ऐसा फील होगा जैसे वो नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। ये प्लेनेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये ट्विन स्टार सिस्टम में है। यहाँ पर हमेशा के लिए उजाला ही रहेगा। सूरज की रोशनी का सबसे ज्यादा फायदा पौधों को होगा, इसलिए इस प्लेनेट पर 1-1 किलोमीटर लंबे पौधे होंगे, जो 90% लैंड एरिया में फैले हुए होंगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर गैस के समंदर जैसा होगा, जो ऐसे एलियन को बनाएगा जो आसानी से आसमान में उड़ सके। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानदार जैसे कि स्काई वेल, जो इस डेंस एटमॉस्फेयर में आसानी से उड़ पाएंगी। एलियन लाइफ आसमान में होगी। इस एलियन का शिकार करने के लिए ऐसे इंसेक्ट्स होंगे जो इन उड़ते हुए एलियंस को निगल लेंगे। यहाँ पर बहुत बड़ी काइट्स भी होंगी,
और इस तरह बहुत बड़े बड़े गुब्बारे की तरह के जानदार होंगे और बहुत सारे स्केवेंजर्स जो इस इकोसिस्टम के बचे खुचे टुकड़ों पर पलेंगे। कुछ ऐसी ही यहाँ की दुनिया होगी जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होगी, लेकिन हमारी जमीन भी पीछे नहीं है। जमीन पर भी कुछ इस तरह के जानदार हैं, जैसे हनीबी, ईगल। इन्हें देखते ही आप कह सकेंगे कि इन जानदारों के पास पंख हैं, जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनके पंख एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे पहले एक ही जानदार के पास पंख आया और बाकियों को इसे विरासत में मिले हों। सब परिंदों ने अपने अपने पंख अपनी जरूरत के मुताबिक हासिल किए। अब जरा आप अपने आसपास देखें। जमीन पर जिंदगी 3.5 बिलियन साल पुरानी है। कितने जानवर आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिनमें इंसानों जैसी समझदारी है, या फिर उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक इंटेलिजेंसी को इवॉल्व किया हो? इसका मतलब बिल्कुल जीरो है। शायद हमारे सर्वाइवल के लिए इंटेलिजेंस उतनी फायदेमंद नहीं है जितना हम सोचते हैं। शायद दूसरे जानवरों के लिए, जैसे शेर, शार्क्स, सांपों के लिए इंटेलिजेंस उतना फायदा नहीं दे पाता जितना हमारी नस्लों को दिया है। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है और अपने इंसान होने पर अल्लाह का लाख बार शुक्र अदा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।